गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी तो बज रहे हैं सुबह के कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 7:24 हो रहे हैं पूरे। और गाइस अभी तो मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ क्योंकि हमें जाना है आज, मतलब आज हमें रामपुर जाना है क्योंकि भाई होगा कुछ। मैं तो चल रहा हूँ भाई, मैं तो घूमने जाऊँगा क्योंकि भाई मेरी तो सारी पढ़ाई हो गई है, बस थोड़ा लिखना रह गया है, वो तो सब मैं लिख लूँगा भाई। कल का भी एक दिन है, परसों एग्जाम है, हो जाएगा भाई ईजी। एंड अभी यहाँ पर प्लांट्स रखे हैं, वहाँ पर भी प्लांट्स रखे हैं, और मैं लेके जा रहा हूँ बैट बॉल क्योंकि भाई जो हमारा ऑस्ट्रेलियन, आप जानते होंगे जो आया था अभी ऑस्ट्रेलियन को, भाई इसने कहा था कि भाई बैट ले आइए उधर। मैंने कहा भाई ले आऊँगा, अब भाई बैट भी लेके जा रहा हूँ, मैंने उधर रख दिए बैट। भाई कहाँ गए, हाँ देखो हल्का सा दिख रहा होगा, रुको यार। ये देखो बैट बॉल, आपको व्यू दिखा दो भाई, देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, इतना सही व्यू आ रहा है सच में गाइस। एंड अभी तो हम लोग जा रहे हैं हनुमान धाम के अंदर दर्शन वगैरह करने। यहाँ पे देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है इधर, एंड भाई सच में बहुत सही व्यू आ रहा है, मतलब व्यू इधर भी बहुत अच्छा है और ये तो भाई हमारा इतना अच्छा व्यू आ रहा है सच में गाइस। एंड अभी तो हम लोग जा रहे हैं अंदर भाई, बारिश भी, अरे यार मुझे उतरने पड़ेंगे भाई, बहुत ठंड हो रही है गाइस। इधर तो हवा बहुत तेज चल रही है पहाड़ पे, वैसे बहुत दिन बाद पहाड़ पे आए हम लोग। एंड यहाँ पर भाई जय श्री कृष्ण जय श्री राम। अभी तो हम लोगों ने चप्पल वगैरह सब कुछ उतार लिया भाई, मोजे तक उतारने पड़े हमें। हो भाई बहुत ठंड है उधर, पानी वैसे ही तो ठंडा पानी है। अभी तो हम लोग आ चुके हैं और भाई बहुत ठंड है और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है गाइस। हाँ पर भाई नंगे पैर चलना पड़ रहा है, बारिश भी अलग से हो रही है, पैर सुन पड़ चुके हैं। हाँ हाँ पापा, बहुत ठंड हो रही है इधर, बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है। अभी तो हम लोग आरती करके आ चुके हैं, मैंने इस व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उधर अलाउड नहीं था व्लॉग बनाना। अरे हाय छी यार, ओ भाई बहुत गंदगी हो रही है सच में, ज़्यादा ही गंदगी हो रही है और धूप भी निकल आई, बारिश भी हो रही है। ओए बारिश नहीं होनी चाहिए गाइस, बहुत सच में ज़्यादा ही वो है यार सच में। हम लोग जानबूझ के पूरा घूम रहे थे, इसके परिक्रमा लग जाए, बहुत ठंड है गाइस यहाँ पे। अगर आप भाई प्लान बना रहा आने का तो भाई बारिश का वो देखना, वेदर वगैरह, हमने गलती कर दी कि वेदर हमने देखा नहीं, वरना आप भी आराम से घूम पाते हम लोग, वरना ढंग से घूमते बहुत भारी और ज्यादा धूप है ना, धूप होती तो मजे आते हैं यहाँ पे। हाँ धूप होती तो गर्मी लगती। चलो तो भाई पूरा पूरा कैमरा गीला हो चुका है हमारा, ओ भाई चलो लिफ्ट में आ रहे हैं। जीत हो गए जी, चलो हम लोग आए, जीत वाला पहुंच गए 30 रुपए कमा रहे हैं, ये कह रहे हैं 15% 1020 किलो। मैक्सिमम तो भाई शीशा ही नहीं है भाई, सही है। चलो पहुंच गए हैं हम लोग, अरे यार चल पे चलते रहो मम्मी। अरे क्या ये आगे नीचे मेरे पैर के भाई, बहुत धूप भी भाई सच में मुझे डर लग रहा है भाई कैमरा खराब ना होता है। और भाई यहाँ पर ऐसा कुछ व्यू है बट भाई मज़ा तो आया है भाई, दर्शन कर लिया अभी हनुमान जी के हम लोगों ने और भाई मज़ा तो आ गया, आनंद भी आया बहुत। चलो भाई हम लोग नीचे आ चुके हैं हनुमान धाम जी से,
अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में धाम से। हाँ मतलब हनुमान धाम। तो गाइस ये है ननकू बाबा और बहुत ही फेमस है, इतना फेमस है ये कि मतलब हमने जहाँ जहाँ इनका रास्ता पूछा ना, इनका नाम से पूछा कि कितनी दूर और आगे चलें, तो मतलब अच्छा हमें जैसे ही हम कालाडुंगी में एंटर हुए, कालाडुंगी शहर जो कालाडुंगी एक छोटा सा कस्बा मान लो आप, वहाँ से इनका मतलब इतना नाम था, हर कोई इनका रास्ता बताता चला गया बताता चला गया। देखो यहाँ पे सबके नंबर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे बाकी नंबर ये लगे हुए हैं, मतलब लोग बाग जो है वेट करने के लिए वेट कर रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कालाडुंगी, मतलब लोग बाग ना वेट कर रहे हैं ये नस मलते हैं। और आज हम लोग जो है यहाँ पे पापा के जो है घुटने में जो दिक्कत है वो सॉल्व करने के लिए, जो हमने बहुत ही नाम सुना है इनका कि नस दबाते हैं उनको, पापा को एक्चुअली चलने में दिक्कत है तो हम इस वजह से आए हैं। तो गाइस ये देखो अभी फिलहाल तो मैं आ चुकी हूँ नानी के घर पे। आज हम लोगों का था कि प्लान कि हम इस तरीके से प्लान बनाएंगे कि हम नानी के घर पे आएंगे, तो जस्ट हमने लिया है एंटर, कैमरा गंदा हो रहा था, जस्ट एंटर लिया है तो जो है बस अभी लंच वंच होगा, लंच वगैरह सब कुछ अभी लगेगा। फ़ोन पड़ा है डिस्चार्ज तो फ़ोन मैंने चार्जिंग पर लगा दिया है। हाय बेबी, हाय नानी, अभी आ रही हूँ मैं, अरे कहाँ आ रही हो बॉडी? नानी आप मम्मी देखे गए? तो क्या हो गया? ये घंटी ने बोली तुम्हारी? ये है तो मेरे पास। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अब ये बहुत खाई है मैंने आज। बाय दीदी, अरे रात को मिल जाएगा, सुबह मिल जाएगा, सुबह क्या चलो मिल गया, चलो चल अभी टाइम हो रहा है हमारा यहाँ से निकलने का, 7:30 निकलोगे वैसे भी। सो गाइस अभी जो है टाइम अप हो चुका है, टाइम अप इन द सेंस कि हाँ हम लोग मतलब जैसे आए थे दोपहर से, दीदी से मिलने आए थे, मिल लिए, अब शाम हो चुकी है तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा भाई नानी, हम तो हम तुम केदारनाथ पैदल चलेंगे, मम्मी और अप्पू केदारनाथ जी पैदल यात्रा, चंदौसी से पैदल मौसी होली पे पक्का है? हाँ है ना, देखते हो ना, देखना नहीं है होली पे डन। अच्छा चलो भी आना है होली पर, हाँ हाँ बस यही पे है, हाँ तुम भी आना होली पर, वो तो यही रहेगी। पहुंच जाएगी उन तक की खबर, में ब्लॉग देखते हैं। बैठो बैठो, अच्छा यार, चलो बाय बेबी, बड़ा अच्छा लगा हमें, उसको भी बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, और उसकी फोटो देख के हमें भी अपनी सारी चलो बेबी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, अभी आ चुके हम लोग घर पर जस्ट, और यहाँ देखा विकेट कुछ इस तरीके से डाउन है, गोलू का विकेट तो सबसे ज्यादा डाउन रहता है। ये इसलिए इसके थक रहा है ना, क्योंकि नॉन स्टॉप तो क्रिकेट खेला, बस बैठा लेटा नहीं, बैठा नहीं है बिल्कुल भी, हम लेटे बस, मैं तो सो गई, मैं तो बेहोश सोई बिल्कुल। लौटते भाई, अरे तब वहाँ पर मौसी के नानी क्या बिल्कुल बात तो लिहाफ डाल के सो गई, हाँ मैं तो सो गई बिल्कुल, वो तो जब मेरी नाक बंद हुई बिल्कुल जुकाम से तब कहीं जाके मैं उठी। अभी तो बज रहे रात के 11 बज रहे हैं, आज हम लोग जान बूझ के जल्दी सो रहे हैं क्योंकि भाई सब लोग थक रहे हैं, तो
तो आप सोच रहे हो कि 11 तो बस 11 तो बहुत लेट होता है, बट भाई हमारे लिए तो बहुत जल्दी है। तो अभी तो हम लोग सो रहे हैं और गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन टेक केयर, डू मोर शेयर, डू लाइक। अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।